नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे कबीरदास। कबीरदास के कुछ दोहे आपने पढ़े, कुछ चलिए आज मैं आपको पढ़ा देती हूँ। कबीरदास कौन थे? कबीरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में अथवा भक्ति काल में अग्रगण्य थे। लोगों को सीख देने के लिए, लोगों के मध्य जो सांप्रदायिक कटुता फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपने दोहों, पद, साखी आदि से बहुत प्रयास किया। वो घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे निर्गुण ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का। निराकार ब्रह्म अर्थात जिस ब्रह्म को हम देख नहीं सकते अथवा महसूस कर सकते थे, जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप को रूप, अर्थात जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते अथवा सिर्फ उसको महसूस किया जा सकते थे। कबीरदास जी ने विभिन्न पाखंडों का, धार्मिक जो पाखंड थे उनका विरोध करते थे। वो सदैव हिंदुओं को कहते थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। वो किसी एक धर्म के बंदे को नहीं कहते थे, वे समस्त धर्मों का विरोध करते थे। जो ईश्वर के प्रति जो ढोंग रचते थे उनका विरोध करते थे कबीरदास जी ने। ऐसे ही मुस्लिमों को भी वो कहते थे, जैसे हिंदुओं को कहा कि पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, वाते तो चाकी भली पीस खाए संसार, केसन कहाँ बिगाड़िया जे मुंडे सो बार, मन को क्यों नहीं मूड़िए जामे भरे विकार। और मुस्लिमों को क्या कहते थे? वो कहते थे मस्जिद चढ़ी बांग दे मुल्ला क्या बहरा, व कांकड़ पत्थर बीन के मस्जिद लई चुनाए, कंकड़ पत्थर बीन के मस्जिद लई चुनाए, तापर चढ़ बांग दे मुल्ला क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कबीरदास जी किसी एक विशेष धर्म को ना मान करके विभिन्न धर्मों को मानते थे। विभिन्न धर्मों अर्थात एक निराकार ब्रह्म को मानते थे। सभी लोगों को कहते थे कि ईश्वर आप सभी के हृदय में निवास करता है, चारों तरफ कहीं भी ईश्वर का निवास नहीं है। तुम ढूंढने के लिए कभी काशी कभी काबा जाते हो, इसलिए ईश्वर तुम स्वयं में देखो, आसपास में देखो, ईश्वर आप सभी के पास में है। तो ये कबीरदास जी की बातें थी। तो कबीरदास जी, आप लोगों को कुछ दोहे मैम ने पढ़ाए, तो कुछ आज मैं एक आपको एक एक करके एक दो दोहे जो बचे हुए हैं मैं आपको पढ़ा देती हूँ। दोहे पांच पढ़ाए मैम ने, तो चलिए आज छठा दोहा मैं बताती हूँ आपको। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से धार्मिक भेदभावों से ऊपर उठकर भक्ति का संदेश देते हैं और कहते हैं कि राम रहीम एक है, सभी धर्मों के धार्मिक स्थल एक ही हैं और एक ही है, इसलिए ईश्वर की अगर आराधना करनी है तो सच्चे हृदय से करो, उसे इधर उधर ढूंढने जाने से कुछ नहीं होगा। कबीरदास जी कहते हैं मैं जब राम रहीम और हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया, अर्थात कबीर जो सच्चा भक्त है उसको स्वयं को मानकर कहते हैं कि जब मैं राम रहीम इन सब के भेदभाव से ऊपर उठ गया, हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ गया, तो मैंने ऐसे देखा कि काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। मन की जिस कलुषिता जो हम मन में पाले रहते हैं, दूसरे धर्मों के प्रति द्वेष की भावना जो पाले रहते हैं, वो द्वेष जो कलुषता वो हमारे मन से जो मोटे आटे की भांति हमारे हृदय में हमारे मन में बसी हुई थी, वो अब सुपाच्य आटे की तरह हो गई, सुपाच्य मैदा की तरह हो गई, अर्थात वो बारीक मैदा बन गई आराम से, जिसे मैं खा सकता हूँ। अर्थात ईश्वर का नाम, हर धर्म का ईश्वर एक है, ऐसा कबीर ने कहा। तो सांप्रदायिक जो भेदभाव की जो बात थी वो हृदय से जब हट गई, मिट गई, तो सभी ईश्वर सभी तीर्थ स्थल एक जैसे लगे। तो कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं? धार्मिक भेदभावों से ऊपर उठकर भक्ति का संदेश दिया है कबीर ने इन पंक्तियों में। चलिए दूसरा दोहा है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची ना होए, सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा होए। देखिए इसमें लोग कहते हैं वो ऊंचे कुल का है, वो नीचे कुल का है, तो ये कबीरदास जी इस सब का अच्छे से खंडन करते हुए उन लोगों का विरोध करते हैं, उन लोगों को ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं जन्म की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही कोई
ऊंचा नहीं हो जाता, ऊंचा होने के लिए मनुष्य को अच्छे कर्म भी करने चाहिए, अर्थात अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। कबीरदास जी कर्मों के महत्व को बताते हुए ही कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता, अर्थात उसके लिए कैसे कर्म करने चाहिए। अगर हम कबीरदास जी जैसा कहते हैं कि सोने के पात्र में अगर शराब डाल दी जाती है तो क्या वो शराब का पात्र होता है, वो पूजनीय होता है? नहीं, कबीरदास जी कहते हैं वो सोने का पात्र भी निंदनीय हो जाता है, अर्थात साधु सज्जन व्यक्ति ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर दुर्गुणों से भरा हो, दुर्व्यसनों में रत हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन धिक्कार के योग्य है। सज्जन व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को धिक्कार के योग्य मानते हैं, अर्थात कुल से ऊंचा उसका कर्म है। कबीरदास जी ये संदेश इसमें दे रहे हैं। अब कबीरदास जी का ये हमने दोहा पढ़ा, इसके पश्चात कबीरदास जी का शब्द पढ़ेंगे हम, शब्द अर्थात पद पढ़ेंगे हम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलिए पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको इस दोहे का थोड़ा सा अर्थ है आराम सीधा सा अर्थ बता देती हूँ कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। भावार्थ है इसका सीधा सा कि मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के अनेक उपाय करता है, इसके लिए वह विभिन्न क्रियाएं करता है, पर उसे प्रभु दर्शन नहीं देते। अतः निराकार ब्रह्म स्वयं मनुष्य से कहते हैं, मोको यानी मैं स्वयं कहते हैं कि हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, किसी मंदिर मस्जिद अथवा तीर्थ स्थान में नहीं रहता, मैं आडंबर जो करते हैं हम दिखावा करते हैं भगवान के भक्ति के नाम पर, उन भक्ति क्रियाओं के माध्यम से मैं नहीं मिल पाऊँगा। जो भक्त मुझे सच्चे मन से कहीं भी याद करता है उसे मैं पल भर में ही प्राप्त हो जाता हूँ, अर्थात मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं हर मनुष्य के सांसों में निवास करता हूँ। तो बच्चों इसका सीधा सा अर्थ आपको समझ में आया, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है, मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने के उपाय करता रहता है तथा नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, क्योंकि मनुष्य यही तो करता है कि कोनो क्रियाकर्म में, लेकिन मैं उन क्रियाकर्म में रहता नहीं हूँ, इस प्रकार प्रभु के दर्शन नहीं होते, विभिन्न क्रियाकलापों में भी प्रभु के दर्शन नहीं होते। इसी संदर्भ में कबीरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं, कहते हैं कबीरदास जी उसमें मोको से स्वयं को अर्थात ईश्वर के माध्यम से स्वयं कह रहे हैं कि तूने मुझे कहाँ कहाँ खोजा, किंतु मैं तेरे पास में रहता हूँ, क्योंकि तू मुझे ढूंढने के लिए काबा काशी कैलाश न जाने कहाँ कहाँ चला गया, किंतु मैं रहता हूँ सदैव तुम्हारे पास, मंदिर मस्जिद में नहीं रहता हूँ, ना किसी तीर्थ स्थान में रहता हूँ, मैं किसी आडंबरपूर्ण क्रियाओं में भी नहीं मिल सकता, मुझे सच्चे मन से याद करो, मैं सदैव तुम्हारे सांसों में रहता हूँ, क्योंकि एक पल की तलाश में मिल सकता हूँ, अर्थात तुम्हारी सांसों में मैं रहता हूँ, तुम्हारे हृदय में मिल सकता हूँ, अर्थात मुझे खोजना ही है तो अपने मन में खोजो। इसमें क्या कहा था कबीरदास जी ने, मोको ईश्वर के लिए ही स्वयं के लिए ही प्रयोग करता है। भगवान कहता है क्यों नहीं मिलते देवालयों में ईश्वर, क्योंकि इन आडंबरपूर्ण स्थान विशेष पर ईश्वर ना रहकर मनुष्य के हृदय में ही समाया है, प्राणी के मंदिर मस्जिद की जगह प्राणी के मन में बसता है। क्रियाकर्म का तात्पर्य क्या बताया था यहाँ पे, पूजा अर्चना यज्ञ हवन आदि जो मनुष्य करता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, दूध चढ़ाने जाता है, फूल चढ़ाने जाता है किसी गरीब की अपेक्षा, ऐसे उनका वस्तुओं का अथवा उन चीज़ों का को ख़त्म कर रहा है, जो गरीब की सेवा करेंगे तो कबीरदास जी की नज़रों में ईश्वर की प्राप्ति संभव है, किंतु इन पूजा में हवन में इन सब में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कबीरदास जी ने खोजी कहा है सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति करने को, जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। और साधुओं को ईश्वर का वास कहाँ, सीधा सीधा कहाँ बताया है, ईश्वर का वास बताया है हर प्राणी की सांस में, मनुष्य की सांस में, मनुष्य के हृदय में।
तो बच्चों, आशा है कि आपको आज मेरे द्वारा समझाए गए ये दोहे शब्द समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं प्रश्नोत्तर भी आपको बताऊंगी, किंतु वो अगले वीडियो में।